नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करते रहें, जिसके लिए न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से लगातार इस बात की अपील करता आया है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करें। इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #MaskPehnoIndia। इसलिए जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें। और बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को दिल्ली के होटल अशोका में शाम 6:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो से नीरज चोपड़ा और दूसरे खिलाड़ी कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद सभी खिलाड़ी होटल पहुंचेंगे और सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इससे पहले सम्मान समारोह दिल्ली के ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सम्मान समारोह की जगह बदलकर होटल अशोका कर दिया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जहां पर टोक्यो में मेडल जीत कर आए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाना है और इन खिलाड़ियों को दिल्ली के होटल अशोका में शाम 6:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स अपने आप में ऐतिहासिक है, दो तीन कारण से। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा हमारे 127 खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा दल रहा है, तो 127 प्लेयर्स, ये एक रिकॉर्ड है। दूसरा, सबसे ज्यादा मेडल हमने जीते हैं, 7 मेडल, और ऊपर से गोल्ड मेडल, पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हर दृष्टि से रिकॉर्ड रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छा ओलंपिक, आज दमदार स्वागत होगा सारा खिलाड़ियों का। कुछ ही देर में दिल्ली में खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में अपने देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के लिए पूरी तैयारी है। दिल्ली के होटल अशोका में एक कार्यक्रम के दौरान मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और ये 4 तस्वीरें देखिए, ओलंपिक्स के सुपर हीरोज को आज सम्मानित किया जाएगा। किस तरह जब ये सब मेडल जीत कर आए तो देश में खुशी का माहौल था और स्वागत की किस तरह तैयारी की जा रही है अशोका होटल में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरे देश गौरवान्वित हो चुका है और इंतजार है, बाहें फैला के भारत इंतजार कर रहा है अपने इन सभी खिलाड़ियों का। और कुछ ही देर में शाम 6:30 बजे जो हमारे खिलाड़ी थे ओलंपिक्स में जो गए थे उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली के अशोका होटल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कुछ देर बाद सभी खिलाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाहर काफी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं और एयरपोर्ट से खिलाड़ी सीधे होटल अशोका जाएंगे और वहां पर उनके लिए ढेर सारी तैयारियां भी की गई हैं। शाम 4 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पर लैंड करेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट पर और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की तैयारी यहां पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान मौजूद हैं और साथ ही साथ ये जो गेट से अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान निकल रहे हैं यही वो वीआईपी गेट है जहां से खिलाड़ी बाहर निकलेंगे, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, वुमेन्स हॉकी टीम हो, पुरुष हॉकी टीम हो, मेन्स हॉकी टीम, वो तमाम खिलाड़ी जो है इसी गेट से बाहर निकलेंगे। इस गेट पर भी फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसके अलावा चारों तरफ आप देख सकते हैं यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उसके साथ ही साथ यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। और भी अभी बताया जा रहा है कि फोर्सेस यहां पर पहुंच रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा था जब पीवी सिंधु और दूसरे खिलाड़ी जब यहां पर पहुंची थी तब उस वक्त यहां पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि लोगों को मालूम था कि शाम 5 बजे वो बाहर निकलेंगे। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग पहुंच गए थे, सुरक्षा के यहां हालांकि पुख्ता इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अलर्ट किया गया, इस गेट से नहीं दूसरे गेट से उनको एग्जिट करना पड़ा था, तो सीधे यहां से वो जाएंगे अशोका होटल जहां पर शाम को उनका स्वागत किया जाएगा। खेल मंत्री वहां पर मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर उसमें शामिल होंगे, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक किया गया है ताकि खिलाड़ी सुरक्षित वहां पर पहुंच जाएं, क्योंकि हर कोई अपने चहेते खिलाड़ी को देखना चाहेगा, एक बार उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहेगा। और कोई ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने के बाद आज तमाम खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं और आज उनके सम्मान के लिए दिल्ली के अशोका होटल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप हमारे सामने देख सकते हैं तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं इस वक्त, और अभी अब से थोड़ी देर बाद यानी कुछ घंटे बाद कार्यक्रम का
आयोजन किया जाएगा और इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो रहेंगे ही और इस बात की भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये स्टेज है, आप देख सकते हैं हमारे सामने में स्टेज आपको दिख रहा है, वहाँ तमाम खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है टोक्यो ओलंपिक में और भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है ओलंपिक के इतिहास में। नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया है और इसके अलावा बाकी 2 रजत 4 कांस्य भी भारत को मिले हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। मान बढ़ाया है और भारत के लिए पदक लाया है, वो आज स्वदेश लौट रहे हैं और दिल्ली के अशोका होटल में सरकार की तरफ से उनके स्वागत की खास तैयारियां की गई हैं और होटल अशोका में आप प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वेलकम टीम, जिन टीम के सदस्यों ने भारत को पदक दिलाया है उनके लिए स्वागत का पूरा आयोजन किया गया है। अशोका होटल के 3rd फ्लोर पे एक खास आयोजन किया जा रहा है जहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद होंगे और इस बात की भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये छल्ले, ओलंपिक के छल्ले आपको दिख रहे हैं 5 कलर में, ये छल्ले दरअसल 5 महादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं ओलंपिक में और इन छल्लों के साथ अब भारतीय तिरंगे के कलर को बनाया गया है ताकि खिलाड़ियों में एक संदेश जाए कि जिस तरह से